मैं इस वक्त क्लिफ्टन के मेन रोड पे खड़ा हूँ, बिलावाला उसके सामने, बारबी की यूनाइट के सामने। ये यहाँ पे डीएमसी की गाड़ी खड़ी हुई है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की। एक डीएमसी की गाड़ी पीछे खड़ी है और यहाँ पे डीएमसी साउथ का स्टाफ भी मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि पूरे शहर में उन्होंने दरख लगाने, और डीएमसी का अमला जो है यहाँ पे दरख काट रहा है। और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ये पूरी सफाई से इन्होंने लकड़ियाँ काटी हैं, लेके जाएंगी। बारबी ग्रेनाइट के सामने जितने भी दरख्त थे वो काट दिए गए, और इसी के आगे आगे अगर आप देखेंगे, ये आगे लगेगा इमरान अच्छा आगे तो ये ग्रामर स्कूल के सामने जितने भी दरख्त थे ये भी सारे काट दिए गए। मुर्तजा वहाब रोजाना की बुनियाद के ऊपर रोडों पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम दरख्त लगवा रहे हैं, और ये दूसरी तरफ जो पूरे शहर के दरख्त ये काट रहे हैं। पीछे देखें जितने दरख्त काट रहे हैं, डीएमसी की गाड़ी वहां पर भी खड़ी हुई है, और ये डीएमसी की गाड़ी आगे जूम करके दिखाना, ये डीएमसी साउथ की गाड़ी, ये सामने डीएमसी साउथ की गाड़ी खड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं पीछे, ये इनका काम है। अब ये काटेंगे और ये दरख्त को जो ना ये बेचेंगे। मैं आगे भी आपको दिखा दे, बड़ा मेरे साथ ये हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि हम दरख्त नहीं लगा रहे। आगे जितने भी दरख्त हैं ये सारे काट दिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर दरख्त लगाए जा रहे हैं, और कराची में जो है वो डीएमसी साउथ जो है वो दरख्त काट रही है, और बकौल डीएमसी साउथ के स्टाफ के यहाँ पे लोग कह रहे हैं दरख्त काटने को। कमाल की बात है ये। मैं गुजारिश करूंगा सिंध गवर्नमेंट से इसका नोटिस लें और मुझे इन राइटिंग जवाब दें कि क्यों आपने यहाँ पे सारे दरख्त काटे। ग्रामर स्कूल के सामने सारे दरख्त काट दिए, जितने भी ग्रामर स्कूल के सामने बाबी के ट्रेंड के आगे कट गए। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो अब ये इनकी आधी कटिंग हो गई थी। आगे आ जाए जरा, आगे आइए, गाड़ी खड़ी हुई डीएमसी साउथ की। आप जरा जो ना वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के ना जरा जल्दी से जाइए। ये देखें, आगे लाएं कैमरा जरा, ये देखें अभी इनको बेचा जाएगा। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप कौन है भाई साहब, आप जो लेके जा रहे हैं कौन है आप? गाड़ी रहना जवाब दो ना। गाड़ी किसकी? नहीं तो बंद कराऊं मैं गाड़ी। कहाँ लेके जाओगे इनको बताओ मुझे? कुमार थाने लेके जाऊंगा। कितने में भाड़े में दिए? 7000 रुपये में। ये लकड़ियाँ सारी लकड़ियाँ नहीं थी, मेरा गाड़ी का किराया। ये लकड़ी कहाँ लेके जा रहे हो तुम? ताज से लेके। लकड़ी का ताल, जहाँ पे लकड़ियाँ मिलती हैं। ये लकड़ी के टाल के ऊपर लेके जा रहे हैं सारी लकड़ियाँ, जहाँ पे लकड़ियाँ बेचेंगे वहाँ पे इनको ठेका दिया गया, वहाँ तक लेके जाना है। अब मुर्तजा बाब साहब बताएं जरा कितने दरख लगवा रहे हैं और कितने दरख कटवा रहे हैं आप? ये तमाशा किसी और को दिखाएं, पहले अपने डीएमसी साउथ को संभालें आप, जिसके अंदर करप्शन अरूज के ऊपर चढ़ी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ पार्क है, एक पार्क नहीं इनसे बनता है। हालत देखें, डीएमसी का पैसा जाता कहाँ है सारा? डीएमसी साउथ का, उसके बारे में भी मालूमात करवाएंगे अभी हम।